देखिए, मैं आज ट्रेड टाउन मार्केट में आया हूँ और एक ट्रेड टाउन मार्केट की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब इनको दी गई थी तो एक बहुत बड़ा सपना दिखाकर ये किराए पे दी गई थी, जिसका किराया बहुत ज़्यादा है, एडवांस भी बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद इन्होंने ये ग्रीन यूनियन कमेटी में गए हैं, बीच साहब के पास भी गए हैं, वो अभी पता करके सारा इसका एक डी साहब से रिक्वेस्ट करके एक इंक्वायरी करके इसका जो भी रेट वगैरह कम जो किराया है इसका कम करवाएंगे। और जो खाली दुकानें हैं वो नॉर्मल सा किराया नॉर्मल सा एडवांस में ये इसको बसाने का काम करेंगे। और ये जो जितनी है जगह इसकी एक पार्किंग एक फूड मार्केट बनाकर इसको जल्द से जल्द आबाद किया जाएगा, क्योंकि मैं 10 साल से देख रहा हूँ ट्रेड मार्केट का बना हुआ है, सरकार के पैसे लगे हुए हैं लेकिन कामयाब नहीं हुई है, तो उसको उसको देखने के लिए इसको कामयाब करेंगे, जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाएगी। देखिए, पहली मंजिल की सिक्योरिटी कम करके किराया कम करके इसको जल्दी से जल्दी आबाद करेंगे। तो आज ऐसा था कि आज हमारी मार्केट में सभी दुकानदारों ने मिलकर गोविंद कांडा जी को बुलाया था यहाँ पे, कि जिसके अंदर मार्केट की बहुत सारी समस्याएं काफ़ी लंबे टाइम से चल रही हैं। जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमें नक्शा दिखाया गया था उस हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया गया, और उसके अगेंस्ट में हमें मतलब धोखा देके, जिसको सीधा कहा जाएगा धोखा देके, 4-4 लाख रुपए एडवांस ले लिए दुकानों के, और जो किराया है वो 7,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक पर दुकान का किराया है। इससे दुकानदार बहुत सारे परेशान थे और कुछ दुकानदार तो सरेंडर भी कर चुके हैं। इसी के लिए मेन उन्हें बुलाया गया था कि हमारा जो किराया है पिछला वो माफ़ करवा दिया जाए, और आगे का किराया दूसरी दुकानों को देखते हुए, जो साथ वाली दुकानें कोई 1,000 रुपये में 1,500 रुपये महीने में चढ़ी हुई हैं, वो हमारा किराया करवाया जाए। तो इसी बात पे ही उन्होंने सहमति जताई है कि हम कोई बात नहीं, इसका मीटिंग कर लेते हैं 10 दिन में और इसके ऊपर काम करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सफाई व्यवस्था तो बहुत ख़राब है ही, टॉयलेट के हालात बहुत ख़राब हैं, तो उन्होंने कहा उसका भी हम निरीक्षण कर लेते हैं और ये करवा देते हैं। हाँ, इसके अलावा उन्होंने एक सुजेशन जैसे दुकानदारों ने दिया कि यहाँ पे एक फूड मार्केट बना दी जाए, जिससे कि गीता भवन वाली गली खाली भी हो जाएगी और काम यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा और ये दुकानें भी कामयाब हो जाएंगी। और इसके अलावा जो ऊपर की दुकानें खाली पड़ी हैं सभी, उसकी सिक्योरिटी 3 लाख रुपए है, जिसे कि हमने कहा कि 1 लाख रुपया करवा दिया जाए और उसका किराया 1,000 रुपये से शुरू करके इन दुकानों को भी चढ़ा दिया जाए।